नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ नानकी कौर। दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे खबरें फटाफट में। फटाफट न्यूज बुलेटिन इज ब्रॉट टू यू बाय कौटिल्या कोचिंग क्लासेस हमीरपुर। ऊना जिला में भगवान शिव के खिलाफ अश्लील टिप्पणी करने के मामले में बिफरे हिंदू संगठन, थाना प्रभारी ने बदला जांच अधिकारी। जिला कांगड़ा में धर्मशाला टांडा हरिपुर रूट पर इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू, बटेहड़ बासा में ग्रामीणों ने ड्राइवर कंडक्टर को नवाजा। मंडी में कंडक्टर यूनियन के प्रांतीय प्रधान किशन चंद बोले, वेतन विसंगति का समाधान न होने पर हड़ताल पर चले जाएंगे कंडक्टर। कुल्लू के भुंतर में 4 दिवसीय मेले के समापन पर सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर ने नवाजे विभिन्न गतिविधियों के विजेता, जमकर हुआ कारोबार। बिलासपुर में राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी बोली, स्वर्ण समाज की समानता के अधिकार की लड़ाई के लिए अन्न त्याग यात्रा 15 अगस्त से। ऊना में शिवसेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुलाब चंद दुबे बोले, लोकसभा चुनाव में उतरेगी पार्टी, संगठन होगा मजबूत। मंडी में जेबीटी प्रशिक्षुओं का धरना जारी, मांगों को लेकर शिक्षा विभाग और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। बिलासपुर में विश्वकर्मा मंदिर परिसर में पीर लगदाता अखाड़ा कमेटी ने वार्षिक समारोह में नवाजे सहयोगी सदस्य, एमआर वर्मा रहे मुख्य अतिथि। कांगड़ा में नगर परिषद द्वारा हाउस टैक्स बढ़ाने के खिलाफ आज शहरवासियों ने लगाए नारे, गरीब लोगों पर बोझ डालने का जड़ा आरोप। जिला कार्यकारिणी पेंशनर्स कल्याण संघ किन्नौर की बैठक, 26 जून की आम सभा पर चर्चा, कमेटियों का गठन, जिम्मेदारियां सौंपी। मंडी के करसोग में सरकोल स्कूल से एलईडी मॉनिटर व अन्य सामान ले उड़े चोर, डीएसपी बोली छानबीन शुरू। जिला कल्याण विभाग कांगड़ा ने 500 से अधिक पेंशनरों पर की कार्रवाई, पेंशन का नाजायज फायदा उठाने पर की 1.5 करोड़ की रिकवरी। सोलन में शूलिनी मेले की तैयारियां तेज, मां शूलिनी सेवा मंडल का भगवती जागरण 20 जून को। खबरें फटाफट में आज के लिए इतना ही, देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।